मायरिंगोटमी या मायरिंगोटमी विद ग्रोमेट इंसर्शन, ये कॉमन ऑपरेशन है जो खासकर हम बच्चों के कानों में करते हैं। मायरिंगो का मतलब ईयर ड्रम या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑटोमी मतलब जहाँ पर भी आप मेडिकल या सर्जिकल टर्मिनोलॉजी में ऑटोमी वर्ड सुनते हो उसका मतलब टू कट इनटू। मायरिंगोटमी मतलब टू कट इनटू द ईयर ड्रम। मायरिंगोटमी की कुछ इंडिकेशंस हैं, खासकर बच्चों में अगर कान में इन्फेक्शन है जिसको हम ASOM कहते हैं, अक्यूट सपिरेटिव ओटाइटिस मीडिया की वजह से अगर कान के मिडल ईयर में पस जम रही है, उस पस की वजह से कान में परेशानी है, बच्चे को दर्द है, ईयर ड्रम बल्ज कर रहा है और फीवर है और हमें ये डर है कि इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो उस पस को इवैक्यूएट करने के लिए और मिडल ईयर में प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए हम मायरिंगोटमी करते हैं। मायरिंगोटमी मीन्स वी मेक अ स्मॉल होल इन द ईयर ड्रम और वहाँ से हम पूरी पस इवैक्यूएट करके बच्चे को ठीक करते हैं। कभी कभी ये ऑपरेशन बड़ों में भी करना पड़ता है अगर मिडल ईयर में फ्लूइड या पस जम जाए। मायरिंगोटमी विद ग्रोमेट इंसर्शन सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया के लिए करते हैं। इसमें प्रेजेंटेशन थोड़ी अलग होती है, बच्चे को या बड़े को पेन नहीं होता लेकिन हियरिंग इम्पेयरमेंट और ईयर में ब्लॉकेज होती है। ये दो वजह से होती है, या तो कान में फ्लूइड है उसकी वजह से, या ईयर ड्रम रिट्रैक्ट होके सिकुड़ के अंदर की तरफ खिंच रहा होता है उसकी वजह से। सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया में जब हम मायरिंगोटमी करते हैं तो खासकर कान के पिछले हिस्से यानी कि पोस्टीरियर इन्फीरियर सेगमेंट में एक छोटा सा इंसिशन देते हैं। इंसिशन देने के बाद हम जो भी मटेरियल है अंदर, यूजुअली हम पोस्टीरियर इन्फीरियर क्वाड्रेंट में इंसिशन देते हैं और थिक ग्लू लाइक सब्सटेंस निकाल लेते हैं और उसमें एक ग्रोमेट डालते हैं। ग्रोमेट एक छोटा सा कॉलर स्टड जैसा होता है जिसमें सुराख होता है, उस सुराख की वजह से मिडल ईयर वेंटिलेट रहता है और मिडल ईयर का प्रेशर ठीक रहता है, और अगर कभी कभी कोई फ्लूइड बने तो इस ग्रोमेट की वजह से थोड़ा सा ड्रेनेज भी होता है। मायरिंगोटमी और ग्रोमेट इंसर्शन की इंडिकेशन ज़्यादातर ये रहती है कि बच्चे के एडेनॉइड बढ़े हुए हैं या जुकाम रहता है या एलर्जी की वजह से मिडल ईयर में फ्लूइड जम जाती है। मिडल ईयर में फ्लूइड जमने की वजह से बच्चे को कान में बंद बंद सा लगता है और हियरिंग इम्पेयरमेंट भी होता है। अगर प्रोलॉन्ग्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट है जो दवाई से नहीं ठीक हो रहा, या अगर बच्चे का एडेनॉइड सर्जरी प्लान किया है और एडेनॉइड सर्जरी के साथ बताया गया है कि हम मायरिंगोटमी विद ग्रोमेट इंसर्शन भी करेंगे क्योंकि बच्चे के कान में भी असर है, तो ये दो अलग अलग कंडीशंस हैं जहाँ पर हम ये सर्जरी करते हैं। एक अकेला मायरिंगोटमी विद ग्रोमेट जहाँ पर खाली सिक्रेटरी ओटाइटिस मीडिया होता है, और दूसरा कभी कभी इस सर्जरी को हम एडेनॉइडेक्टोमी के साथ भी कंबाइन करते हैं। ये सर्जरी बच्चों में जनरल या मॉनिटर्ड एनेस्थीजिया केयर में और अडल्ट्स में लोकल एनेस्थीजिया या मॉनिटर्ड एनेस्थीजिया केयर या कि MAC में करते हैं। सर्जरी ज़्यादातर कुछ मिनटों की होती है लेकिन हम माइक्रोस्कोप या एंडोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ईयर ड्रम को बारीकी से देख सकें। शार्प इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके हम ईयर ड्रम में एक छोटा सा सुराख करते हैं और उसमें फिर एक छोटा सा ग्रोमेट डाल देते हैं। कभी कभी हमें लगा कि ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, या ग्रोमेट इंसर्शन एक दो बार पहले हो चुका है, या कि ये कंडीशन ज़्यादा लंबी लास्ट करने वाली है, तो हम ग्रोमेट की जगह टी ट्यूब डालते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? ग्रोमेट कुछ महीनों के बाद अपने आप स्पॉन्टेनियसली एक्सट्रूड कर जाता है, देर इज़ अ स्पॉन्टेनियस एक्सट्रूजन ऑफ द ग्रोमेट आफ्टर अ फ्यू मंथ्स। टी ट्यूब हमेशा के लिए अंदर रहती है और उसको ज़्यादातर मैन्युअली बाद में निकालना पड़ता है जब सर्जन को समझ आ जाए कि आपकी बीमारी ख़त्म हो गई है। ग्रोमेट्स में क्या साइड इफ़ेक्ट या कॉम्प्लिकेशन है? सबसे ज़रूरी बात यह है, ज़्यादातर हमने सोचा है ग्रोमेट डलने के बाद स्विमिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ईयर ड्रम में थ्रू एंड थ्रू ग्रोमेट है और कभी कभी मिडल ईयर में इन्फेक्शन हो सकती है। या ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक बार स्विम करें, देखें अगर आपको ठीक लगे, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो स्विम कर सकते हैं, लेकिन ईयर प्लग्स या कंप्लीट गार्डिंग ऑफ द एक्सटर्नल ईयर के साथ। टी ट्यूब ज़्यादातर अंदर ही रहती हैं और उनको मैन्युअली निकालना पड़ता है, वो स्पॉन्टेनियसली एक्सट्रूड नहीं होती। मायरिंगोटमी विद ग्रोमेट की और साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि कभी कभी वो कान का सुराख पूरी तरह से नहीं भरता। सो आफ्टर द ग्रोमेट कम्स आउट, पर्टिकुलरली इफ़ द ईयर ड्रम इज़ वेरी थिंड आउट और इन रिपीट सर्जरीज,
जो हम होल करते हैं ईयर ड्रम में, वो ग्रोमेट निकलने के बाद पूरी तरह से नहीं हील होता और ईयर ड्रम में एक छोटा सा होल रह जाता है, जिसको बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाए तो हम मायरिंगोप्लास्टी करके उसको रिपेयर करते हैं। मायरिंगोटॉमी विद ग्रोमेट इंसर्शन एक सेफ और सिंपल प्रोसीजर है और इससे तकरीबन इमीडिएट रिलीफ बच्चे को मिलता है, खासकर अगर आपके बच्चे का ईयर ब्लॉक्ड है और प्रोलॉन्ग्ड हियरिंग लॉस है उस ब्लॉकेज की वजह से, तो आपको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। अगर आपका ENT सर्जन मायरिंगोटॉमी विद ग्रोमेट इंसर्शन एडवाइस कर रहा है तो आपको यह सर्जरी करवा लेनी चाहिए।